बिहार दर्शन परिषद के अध्यक्ष भी हैं और अभी दरभंगा हम लोग गए थे, वहां पर भी हमने देखा भी पूरी दर्शन परिषद जितने भी हम शोध छात्र हैं इन लोगों को भी एकदम अपने बालक की तरह रासा दिखाती हैं। यहाँ सामने बैठे हुए हमसे अगर कहीं गलती हो तो मार्गदर्शन की बात है। आदिम जातियों और जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। यह लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति की धरोहर को प्राचीन कालों से संजोए हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास में इन लोगों की भूमिका प्रमुख धारा से अधिक प्राचीन व वास्तविक है, लेकिन आज यही लोग मुख्य धारा से विलग अस्तित्व की पहचान से संकट से गुजर रहे हैं। इनका कारण वर्तमान विकासवादी प्रक्रिया के साथ ही इन लोगों का रूढ़िवादी एवं जड़ता के साथ ही अंधविश्वास से ज्यादा लगाव होना है। आदिवासी आज भी मुख्य समाज से दूर पहाड़ व दूर राज के इलाकों में आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित दमन व शोषण कारी परिस्थितियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आजादी के पहले और आज वर्तमान समय में भी आदिवासियों की मुख्य समस्या वनोपज पर प्रतिबंध, जंगलों से बाहर करना, कई प्रकार के लगान, महाजनी शोषण, पुलिस प्रशासन की बर्बरता आदि है। सरकार द्वारा अपनाए गए विकास के मॉडलों ने आदिवासियों से उनके जल जंगल तथा जमीन को अपने कब्जे में लेकर उन लोगों को बेदखल तो किया ही है, साथ ही प्रकृति को भी गहरा नुकसान पहुंचाया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उनके जीवन की मुख्य समस्या बन गई है। इस कारण से उन लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक पहचान व अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। आदिवासी समाज के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं तथा प्रकृति का अपमान वे सह नहीं पाते, इसलिए अपने अस्तित्व और अस्मिता के साथ प्रकृति को बचाने के लिए आदिवासी विमर्श और चिंतन की आवश्यकता है इस समाज द्वारा अधिक महसूस की जाने लगी है। रमणिका गुप्ता जी के अनुसार हम प्रकृति पर कब्जा नहीं करना चाहते, न उस पर अपना वर्चस्व जताना चाहते हैं। हम साथ साथ जीने में विश्वास करते हैं, विनाश में नहीं। समानता और समता के भाव आदिवासी समाज में अस्थायी रूप से देखने में आया है। आदिवासी समाज में स्त्री को भी पुरुष के समान सुविधा प्राप्त है। आदिवासी समाज अपने पूर्वजों को ही देवता के रूप में पूजते हैं। आदिवासी समाज का कोई विशेष धर्म नहीं है। धार्मिक मामलों में भी आदिवासी समाज में आडंबर कम देखने को मिलता है। आदिवासी समाज के धार्मिक कर्मकांड भी अधिकांशतः प्रकृति से जुड़े पाए जाते हैं। वृक्ष की पूजा करना आदिवासियों में प्रचलित है। प्रकृति आदिवासी समाज के धर्म तथा दर्शन दोनों के केंद्र में है। आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज के समय में बहुत अधिक शोषण का शिकार बनती जा रही है। देखा जाए तो अंधविश्वास हर एक जगह में पाया जाता है। शिक्षित मानो या फिर अशिक्षित, सभी लोग किसी न किसी अंधविश्वास के शिकार बन जाते हैं। लेकिन देखने में आया है कि आदिवासी समाज अधिकतर अंधविश्वास उनकी संस्कृति का अंग होता है। झाड़ फूक, जादू टोना जैसे अंधविश्वास भी आदिवासी समाज में व्याप्त है। रमणिका गुप्ता जी के अनुसार जंगल माफिया कीमती पेड़ उनसे कीमत कम कीमत में खरीद कर ऊंचे दामों में बेचता है और इस तरह करोड़ी बन जाता है। पेड़ काटने के आरोप में आदिवासी दंड भरता है या फिर जेल जाता है। कल के लेक्चर में सुना भी गया था कि सर ने बताया था कुछ ऐसे स्थान है जहां पर नमक की नहीं जरूरत पड़ी तो नमक को काफी दूर जाते थे लेने के लिए, लेकिन नमक जब लेते थे जो साहूकार था उसके बदले उनसे कुछ चाहता था धन। उनके पास तो भाई आदिवासियों कुछ था ही नहीं ऐसा। उन्होंने बोला कि आप जंगल से जो दीजिए उसके बदले वे उनसे चिरौंजी जो कि बड़ा महंगा मिलता है, बताया कि एक तरफ तराजू चिरौंजी होता था और उतने ही बराबर उनको नमक मिलता था, तो कितना बड़ा शोषण था आप समझ सकते हैं। आज भी ऐसे देखने को मिलता है, जंगलों में लकड़ियां हैं, कीमती कीमती लकड़ी है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उनको आदिवासी काटते हैं और जो महाजनी लोग हैं जिसको बोला जाता है कि तस्करी के रूप में, खरीद तो लेते हैं सस्ते में लेकिन ऊंचे दाम पर बेचते हैं। ये समस्या बनी हुई है और उसको भुगतने के लिए जेल भी जाना होता है, तो जो खरीदने वाला वो नहीं जाता, जो काटने वाला है मतलब जो आदिवासी है वही जाते हैं, जितने भी दंड है वही भुगतते हैं। सरकार की ऐसी नीतियों के कारण आदिवासी जमीन के मालिक बनने के बजाय पहले मजदूर बने फिर बंधुआ मजदूर।
मजदूर और बधवा मजदूर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मजदूरी का मतलब होता है मजदूरी करने के बाद पैसे मिल जाते हैं, बधवा मजदूर का पैसा नहीं मिलता है, और मालिक जैसे चाहे उसको वैसा ही बना के रखता है। आदिवासी तागेर आदिवासी साहित्यकारों ने आदिवासी संस्था के संकट को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। मधु कांतिया के अनुसार आदिवासियों को जंगल नदी और पहाड़ों से घिरे उनके प्रकृति का पारंपरिक प्रदेश से बेदखल किया जा रहा है। अभी तक वह अपने विश्वासों रीति रिवाजों लोक नृत्यों और लोकगीतों के साथ कुओं मवेशियों नदियों तालाबों और जड़ी बूटियों से संपन्न एक जन समाज में रहता आया है। इसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति रही है, उसका अपना विकसित अर्थतंत्र था। वह अपने पुस्तैनी पारंपरिक और कृषि आधारित कुटीर धन धंधों से पारंपरिकता बढ़ईगिरी लोहारगिरी मधुपालन धोनातर मधुपालन रस्सी चटाई बुनाई जैसे काम से विरासत में मिले थे, परंतु आज पूरे बाजार में अर्थव्यवस्था से सदियों से चले आए अपने पुस्तैनी या पारंपरिक धंधों को चौपट कर दिया है। आदिवासी साहित्य ने आदिवासी संस्कृति आदिवासी साहित्य को समझने के लिए आदिवासियों की जीवन परंपरा रीति रिवाज और सांस्कृतिक व्यवस्था को जानना और समझना बड़ा ही आवश्यक है, जो कि बहुत ही अधिक समृद्ध है। आदिवासी जीवन और समाज किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधनों को स्वीकार नहीं करता है। आदिवासी साहित्य आदिवासी साहित्यकारों द्वारा लिखा गया वह साहित्य है जिसमें आदिवासी संस्कृति दर्शन जीवन शैली प्रकृति और उनकी समस्याओं का चित्रण हो। आदिवासी साहित्य जीवन का साहित्य है, वह प्रकृति का सहयोगी अस्तित्व का व्यस्त ऊंच नीच भेदभाव छत्रपट से दूर वह जहाँ कोरिया संपत्ति जुटाने की भावना से मुक्त है, वह अन्याय का विरोधी सामाजिक न्याय का पक्षधर है। उसके साहित्य में इन सबकी प्रगति है, जीवन की समस्याओं प्रकृति से लगाव उनके साहित्य का आधार है। आदिवासी समाज भारतीय सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक पटल पर प्रस्तुतकर्ता जनजाति समाज है जिसे लोक संस्कृति और जीवन को बनाए और बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा जैसे वीर देशभक्त पैदा हुए जो लोगों में अपने लोक प्रति प्रेम को जगाया, अपनी मातृभूमि के लड़ना सिखाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते सरकारों को कारागार में ही त्याग दिया। बिरसा मुंडा को बड़े गौरव के साथ सभी लोग याद करते, यहाँ तक कि आदिवासी को बिरसा भगवान कहते थे। आज भी आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान की तरफ पूछते है। आदिवासी समाज के उत्थान जीवन परंपरा और सभ्यता को बनाए रखने के लिए उसमें फैले अंधविश्वास जड़ता से उनके जीवन अंधविश्वास जड़ता से उनके जीवन को बाहर निकालने की महत्व सत्ता है। इसी के साथ साथ उनके अधिकारों को आधुनिक सभ्यता संस्कृति उन्हें परिचित करना आवश्यक है।